दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। क्या राजस्थान राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है? मेरा यही सवाल और इसी सवाल के इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा केंद्रित है। मैं इसलिए यह सवाल कर रहा हूं बिना किसी भूमिका के कि राजस्थान में जो घटनाक्रम पिछले 2-3 दिनों से दर्ज हो रहे हैं, वैसे तो राजस्थान का मसला एक सप्ताह से भी ज्यादा हो गया चलते हुए, लेकिन 2-3 दिन के जो घटनाक्रम हैं वो जो संकेत दे रहे हैं कि अंततः अशोक गहलोत की सरकार का बचना अब मुश्किल हो गया है। जो राजनीति हो रही है और राजनीति के इर्द गिर्द जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो जिन निकायों की तरफ से, जिन संस्थाओं की तरफ से, जिन किरदारों की तरफ से, वो सभी इंगित कर रहे हैं कि अशोक गहलोत की निर्वाचित सरकार, जिसके पास बहुमत रहा है अब तक 19 विधायकों के, उनसे एक तरह से इनफॉर्मल डिसोसिएशन, जो अभी ये कहेंगे कि फॉर्मल डिसोसिएशन नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी नई पार्टी नहीं बनाई है, उन्होंने कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने रिजाइन नहीं किया है, अभी तक उनको दल बदल विरोधी विधेयक के तहत अयोग्य भी साबित नहीं किया गया है। तो ऐसी स्थिति में इन अगर 19 विधायकों को भी थोड़ी देर के लिए आप माइनस कर दें, तब भी उनका दावा है कि उनकी सरकार के पास बहुमत है। लेकिन दोस्तों एक अजीब बात है कि अब तक हम लोग सुना करते थे अपने देश में आजादी के बाद से, जब से हमारे देश में गणतंत्र लागू हुआ, तब से हम लोग हमेशा देखते थे कि जब भी कभी बहुमत डगमगाता था किसी भी पार्टी की सरकार का, तो विपक्ष मांग किया करता था राजभवन में कि इस सरकार को बहुमत साबित करने के लिए आप कहिए। लेकिन यह अनोखी बात है कि यहां पर विपक्ष नहीं कह रहा है, यहां पर सरकार स्वयं कह रही है कि उसके पास बहुमत है, वो बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा का सत्र बुलाना चाहती है। विधानसभा का सत्र जो है राज्यपाल के नोटिफिकेशन से ही होता है, लेकिन राजभवन जो है, राज्यपाल महोदय जो हैं, वो राज्य मंत्रिमंडल यानी राज्य सरकार को रिप्रेजेंट करने वाली, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव जो निकाय है, जो जनता द्वारा निर्वाचित लोगों का निकाय है, उसके रिकमेंडेशन, उसकी सिफारिश पर वो सदन का अधिवेशन बुलाते हैं। ये नियम है भारतीय संविधान के अनुसार। और भारतीय संविधान के इस नियमानुसार अगर देखा जाए तो भारत के संविधान में आज जो आर्टिकल 153 से लेकर और 174 वगैरह तक राजभवन के बारे में, राज्यपाल के रोल के बारे में सब कुछ दर्ज है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत के संविधान में बिल्कुल साफ साफ है कि अगर सरकार यानी कैबिनेट फैसला करती है, उससे राज्यपाल बाधित हैं, उससे बाध्य हैं कि वो जो कहा जा रहा है उस, कुछ एक केवल इश्यूज ऐसे हैं जहां राजभवन या राज्यपाल अपनी मर्जी के हिसाब से काम करता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में, विधानसभा का सत्र बुलाने के मामले में, तो बिल्कुल कैबिनेट का फैसला उन पर बाध्यकारी होता है। लेकिन इस मामले में राज्यपाल ने साफ इनकार किया है। अब तक उन्होंने कल एक महत्वपूर्ण बात की थी कि 6 पॉइंट उठाए थे अशोक गहलोत के, जब सदस्यों ने, उनके कैबिनेट के विधायकों ने धरना दे दिया था राजभवन जाकर। अब वो एक अच्छा दृश्य नहीं था, हालांकि ये बात राजस्थान में पहले भी हो चुकी है और भाजपा जब सरकार में नहीं थी, भैरव सिंह शेखावत जब उसके बड़े बड़े नेता थे, अपनी सरकार बनाने के लिए उन्होंने भी राजभवन में एक बार धरना दिया था, तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन कल का दृश्य अच्छा नहीं था जो धरने का। राजभवन की तरफ से जो 6 पॉइंट उठाए गए हैं विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर, उसमें सिर्फ एक पॉइंट राजभवन का वैलिड है। मैं समझता हूं जितनी मेरी समझ काम करती है, विधानमंडलों की कार्रवाई और पार्लियामेंट की कार्रवाई कवर करने के अपने अनुभव के आधार पर, वो यह है कि उसमें कैबिनेट नोट जरूर होना चाहिए था, जो राजभवन ने एक आपत्ति उठाई। दूसरा कि सत्र कब से बुलाया जाए, तारीख भी उसमें दर्ज होनी चाहिए थी, जो अशोक गहलोत की सरकार ने प्रपोज जो किया है उसमें नहीं था। लेकिन उसका करेक्शन आज एक कैबिनेट बैठक, जब मैं शनिवार को बात कर रहा हूं आपसे, शनिवार को कैबिनेट की बैठक में अशोक गहलोत की सरकार ने कैबिनेट की बैठक करके वो करेक्शन कर दिया है और राजभवन को भेज दिया। लेकिन क्या राजभवन का एटीट्यूड बदल जाएगा, क्या राजभवन
अपना अपना जो तेवर है या अपना जो ऑब्जर्वेशन है, अपना जो निर्णय है बदल देगा, क्योंकि उसमें 5 पॉइंट जो उठाए गए हैं 6 पॉइंट के नोट में राजभवन के, उसमें ऐसी तमाम बातें हैं जिससे बिल्कुल नहीं लगता और ऐसा लगता है कि केंद्र और राजभवन इन दोनों के बीच में जो एक स्ट्रेटजी है वो एक है, और वो एक यह है कि अशोक गहलोत की सरकार की कोई बात फिलहाल नहीं माननी है। और 19 विधायकों को लेकर जो कोर्ट में ऑब्जर्वेशन आए हैं, जो वर्डिक्ट खासकर हाई कोर्ट की आई है, सुप्रीम कोर्ट में अभी वर्डिक्ट नहीं आई है, सुनवाई का अगला जो तारीख है वो 27 जुलाई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि 27 जुलाई तक आप 19 विधायकों पर कोई कार्रवाई, कोई प्रोसीडिंग, कोई सुनवाई माननीय जो विधानसभा अध्यक्ष हैं राजस्थान विधानसभा के वो नहीं करेंगे। तो एक तरह से माननीय हाईकोर्ट जो एक संवैधानिक संस्था है उसने दूसरी संवैधानिक संस्था यानी स्पीकर पर पाबंदी लगा दी है कि जो 14 तारीख से जो एक प्रक्रिया चल रही थी वो प्रक्रिया अब आगे नहीं चलेगी। संविधान के हिसाब से स्पीकर का अपना दायरा है, हाईकोर्ट का अपना दायरा है, और 1992 के सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के हिसाब से जो संविधान पीठ की वर्डिक्ट थी उसके हिसाब से भी ये जो ऑब्जर्वेशन है हाई कोर्ट का उस पर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। 2016-2019 के भी फैसले हैं दोस्तों, उसको भी देखते हुए माना यह जा रहा है कि माननीय हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है उसमें बहुत सारे सवाल उस पर खड़े किए जा रहे हैं, न केवल न्यायविदों की तरफ से, न केवल एडिटोरियल जो लिखने वाले संपादक हैं बड़े अखबारों के, बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के, बल्कि स्वयं सियासी दलों में भी इसको लेकर तरह तरह के ऑब्जर्वेशंस हैं और बहुत सारी प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि माननीय हाई कोर्ट की जो टिप्पणी आई है, जो वर्डिक्ट आया है, जो फैसला आया है, उससे एक नए पेंच तो जरूर खड़े हो गए हैं, नई जो एक जटिलताएं हैं विधानसभा अध्यक्ष और कानून के बीच में, संवैधानिक संस्था के बीच में, कोर्ट के बीच में, वो अनडिफाइंड है अभी तक, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट जब तक इस मुद्दे पर कोई मुकम्मल फैसला फिर से नहीं कर देता है तब तक ये सवाल हमेशा लटका रहेगा कि 1992 का फैसला और 2019 का जो ऑब्जर्वेशन था हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, ये तमाम जितने भी मामले हैं उसको लेकर क्या अपने देश में एक नई कानूनी जटिलता पैदा हो गई है। बिल्कुल दोस्तों, चलते चलते हमारा ये कहना है कि जो स्थितियां हैं कि इस समय सरकार का जो मुखिया है वो स्वयं कह रहा है कि हमारे पास बहुमत है डिस्पाइट ऑफ 19 MLAs और 18 MLAs जो सचिन पायलट के साथ हैं, वो दावा कर रहे हैं, 102 की लिस्ट दे चुके हैं, लेकिन उनको अभी तक इजाजत नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि वाकई अशोक गहलोत की सरकार को हर कीमत पर अपदस्थ करने या उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है? क्या फिलहाल राजस्थान राष्ट्रपति शासन की राह पर मुखातिब हो गया है? इसी विषय पर हम राजस्थान को ठीक से बहुत अच्छी तरह जानने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार, दैनिक भास्कर ग्रुप के संपादक जो राजस्थान में पोस्टेड हैं, त्रिभुवन से बात करेंगे। त्रिभुवन, हम आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि आप जमीनी स्तर पर चीजों को देख रहे हैं, कि जो माननीय हाईकोर्ट का फैसला आया है 19 विधायकों के बारे में और विधानसभा अध्यक्ष को लेकर, क्या उसको लेकर और जो राजभवन का जो अभी तक का स्टैंड है, तो एक जो बड़ा गतिरोध बना हुआ है, एक बड़ा जो विधायिका और एक तरह से न्यायपालिका और राजभवन के बीच में जो पेंच फंसा हुआ है, क्या उससे आप निष्कर्ष निकालते हैं, आपका क्या नतीजा है? राजस्थान का संकट लगातार गहराता जा रहा है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे और उप मुख्यमंत्री पद से अब हटा दिए गए श्री सचिन पायलट के बीच जो टकराव था, वह टकराव अब और ज़्यादा व्यापक रूप ले चुका है। वह राजस्थान सरकार और राजभवन के बीच का टकराव बन गया है। वह धीरे धीरे विधानसभा और न्यायपालिका बनाम हो गया है। वह एक तरफ देखें तो केंद्र और राज्य के बीच भी टकराव दिखाई दे रहा है। तो हालात इस तरह के हो गए हैं कि यह टकराव बहुआयामी हो गया है। इस टकराव के दौर में परिस्थितियां क्या मोड़ लेंगी, यह
आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि जो दोनों खेमों के विधायक अभी होटलों में हैं वे अभी अगले 21 दिन तक और होटलों में बंद रहेंगे। राजस्थान सरकार की कैबिनेट की मीटिंग आज होनी है, उसके बाद मुख्यमंत्री क्या निर्णय लेते हैं यह इस पर निर्भर करेगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक बात कही है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वे राष्ट्रपति तक भी जाएंगे। क्या ये माना जाए कि राजस्थान की अशोक गहलोत की जो निर्वाचित सरकार है, जो बहुमत का दावा जिसका है, क्या वो वाकई बहुमत साबित किए बगैर वो सत्ता से बाहर हो रही है और राष्ट्रपति शासन लागू होने जा रहा है? राजस्थान सरकार ने राज्यपाल से विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग की थी। इससे ऐसा पता लगता है या ऐसा संकेत मिलता है कि अशोक गहलोत को विधानसभा में बहुमत साबित करने का पूरा भरोसा है और इस बात की आशंका या संभावना राजभवन या भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व या केंद्र सरकार को भी है। इसलिए वे अशोक गहलोत को तब तक यह मौका नहीं देना चाहते जब तक वे अपना बहुमत साबित कर सकें, क्योंकि यह माना जा रहा है कि अशोक गहलोत के पास बहुमत तो है लेकिन वे काफ़ी किनारे पर हैं। इसलिए जब भी परिस्थिति बनेगी या उसमें से कुछ लोग टूट पाएंगे या अशोक गहलोत की सरकार गिरने की परिस्थिति में आ सकती है, तब तक वे प्रतीक्षा करना चाहते हैं। तो परिस्थितियां इस बात पर निर्भर करती हैं या हालात क्या मोड़ लेंगे यह आने वाले दिनों में दिखाई देगा। और इस जो हालात हैं उसमें साफ तौर से यह स्पष्ट है कि टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है और व्यापक होता जा रहा है। इन शब्दों के साथ आपका त्रिभुवन बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, मैं भी अपनी बात कंक्लूड करूंगा कि ऐसा लगता है कि कोई अब मिरेकल, कोई बहुत ही आश्चर्यजनक कोई घटना घट जाए, कोई ऐसा घटनाक्रम हो जाए कानूनी स्तर पर या राजभवन के स्तर पर या केंद्र के दिमाग में कोई बदलाव आ जाए, तभी अब अशोक गहलोत की सरकार बचेगी। वरना ऐसा लगता है कि राजस्थान में भी मध्य प्रदेश की तरह, इसके पहले कर्नाटक की तरह जो कुछ ऑपरेशन कमल कहा जाता है, ऑपरेशन लोटस कहा जाता है, वो ऑपरेशन को ऐसा लगता है कि अंजाम दिया जा रहा है और फिर राजस्थान में एक चेंज, एक तब्दीली हो रही है। अंत में बिल्कुल आखिरी लाइन कि क्या हमारे संवैधानिक लोकतंत्र के लिए ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये जो डेवलपमेंट्स हैं, आप सोचिए, आप तय कीजिए कि वो क्या एक अच्छी तस्वीर पेश करते हैं या एक चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। तो इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.